जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड। मैं हूं प्रकाश कुमार और आप देख रहे हैं लाइट वेट। तो जैसा कि आज आप लोग का एक जो ये जो ब्लॉग होने वाला है वो होगा मेरे गांव के बारे में, मेरे गांव के खेती करने के बारे में। तो अभी जो है इस सीज़न में जो गेहूं लगता है और हमारे गांव के चारों तरफ जो है, आप पूर्व से पश्चिम, दक्षिण से उत्तर कहीं भी जाइए तो आपको हर तरफ जो है गेहूं हरा भरा देखने को मिल जाएगा। और बात ऐसा है कि ये हम लोग जो गेहूँ लगा रहे हैं ये लगभग 15 से 20 साल के बाद जो है हमारे इस एरिया में जो है गेहूँ वगैरह लग रहा है। इससे पहले ये जो नहर जो आप लोग को दिख रहा है, ये जमुना डैम का नहर है, इससे पहले नहर हमारा बना हुआ नहीं था, ख़राब हो चुका था। लेकिन अब जो है नहर बन जाने के कारण अब हर तरफ सिंचाई का व्यवस्था है, जिसके कारण अभी हम लोग क्या है कि हर तरफ हमें गेहूँ लगाने का मौका मिला है। आप लोग देख सकते हैं कि पीछे मैं आप लोग को जिधर भी दिखाऊं आपको हरे भरे गेहूँ नज़र आएंगे और पीले पीले सरसों का फूल नज़र आएंगे। अगर मैं इस साइड भी आप लोग को दिखाऊं तो इस साइड भी वही हाल है, पूरा यहाँ से नीचे तक जो आपको नज़र जाएगा पूरे गेहूँ और पीले पीले सरसों जो है वो नज़र आएंगे। तो आइए चलिए आज थोड़ा सा मैं आप लोग को गेहूँ का व्लॉग दिखा देता हूँ आप लोग को, और हरे भरे और पीले पीले सरसों का नज़ारा मैं आप लोग को दिखाता हूँ। प्ले करने से पहले मैं पहले जो जब मैं इसमें गेहूँ लगा रहा था, गेहूँ लगाने से पहले का जो वीडियो है मेरे पास वो भी मैं साथ में इसमें अटैच करके दिखाऊंगा, तो आप लोग थोड़ा उसे भी देख लीजिएगा। और क्या प्रोसेस के बाद कैसे हमारा ज़मीन पूरा खेत काटने, ये धान काटने के बाद पूरे ज़मीन कैसे बंजर लग रहा था, उसके बाद हम लोगों ने कैसे इसे तब्दील कर दिया है हरे भरे खेत में, तो वो सारा प्रोसेस आप लोग को दिख जाएगा। तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहिएगा फ्रेंड्स। तो चारों तरफ जो है गेहूं घूम घूम के देख रहे हैं और अपने खेतों में हम लोग चेक कर रहे हैं कि हमारा गेहूं कैसा है। तो अभी इस एरिया में हम लोग घूमे तो दिखा कि कुछ कुछ गेहूं जो हमारा नहीं है, किसी और का है, वो सबका तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन मेरा जो गेहूं है वो बहुत ही ख़राब है। मैं आप लोग को दिखाता हूँ, जैसे देखिए ये मेरा खेत है, ठीक है, लेकिन अभी तक ठीक से मतलब कहीं हरा दिखता है तो कहीं थोड़ा सा इसका रंग जो है वो चेंज हो गया है, पीला हो रहा है। तो ये अच्छी खबर नहीं है, कहीं ना कहीं फसल हमारा जो है हम लोग बीज साइज सही नहीं लगाए, तो इसका जो है अभी 50% मतलब हम लोग कह सकते हैं कि बीज हमारा ख़राब हो गया है, ख़राब था बीज, जिसके कारण हमारा ठीक से जो है गेहूँ नहीं हो पाया। तो अभी इसका जो है फाइनल इसका रिजल्ट पता चलेगा एक बार जब हम इसमें पानी पटा देंगे, इसमें जब पानी चल जाएगा इसमें, उसके बाद फिर उसके 5 से 10 दिनों के बाद जो है हमें दिख जाएगा कि ये सही से होगा या नहीं होगा। तो अभी देखने से तो काफ़ी मुझे निराशा हो रहा है कि लगता है मैंने इतने जो मेहनत किया या फिर मेरे घर वालों ने जो मेहनत किया शायद वो कहीं बेकार ना चला जाए। तो कोई बात नहीं, अभी अगला बार जब हम लोग इसमें पानी पटाएंगे, जब डालेंगे इसमें पानी, तब हमें दिख जाएगा कि क्या होता है क्या नहीं। अब पता नहीं क्या होगा, ये तो नहीं कह सकते। तो हमारा सारा का सारा खेत अब सब में हमने एक ही बीज इस्तेमाल किया था और सब में वही हाल है, कहीं कहीं ठीक ठाक है और बाकी बहुत सारे मेरे खेतों में मतलब कहा जाए तो 20% खेत मेरे सही हैं, 80% खेत में जो है मेरे उतने अच्छे से गेहूं नहीं है। मैं आप लोग को दिखा देता हूं एक बार और, देखिए उधर कहीं कहीं पे आया हुआ है, कहीं पे नहीं आया हुआ है। मुकेश जो है अपना खेत को देख रहा है, उसका भी खेत का वही कंडीशन है। तो कोई बात नहीं, अब जो भी होगा देखा जाएगा एक बार और जब हम इसमें पानी डाल देंगे तब। अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं, नीचे जाके देखते हैं। ये देखिए ये अच्छा फसल इसको कहा जा सकता है, इसमें देखिए कितना अच्छा जो है सिंगल सिंगल बीजा में जो है सिंगल सिंगल निकला हुआ है और बहुत ही अच्छा और खूबसूरत लग रहा है देखने में। और सारा जो है आप लोग मैं सामने से दिखाऊं तो देखिए कुछ दिन के बाद जो है गेहूं का, जिसको हम लोग बाली बोलते हैं,
वो बाली कुछ दिनों में इसका जो है निकल आएगा। हम देखिए कहीं कहीं निकला भी हुआ है, आपको देखिए यहाँ पे निकला हुआ है और कुछ दिनों में सारा ये निकल आएगा। तो ये फसल जो है बहुत अच्छा खासा होगा, जिसने भी ये बीजा डाला है, जिसका भी खेत है, वो इसका परफेक्ट है। तो कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। और हम लोग अपना खेत में इनका तो ठीक ठाक है। हमने फ्रेंड्स अभी सारा खेत घूम लिया, काफ़ी जगह मतलब सही है और काफ़ी जगह जो है जैसा कि मैंने उस टाइम बताया कि 20% मेरा सही है और 80% ख़राब है। अब इसको जो है इसका ख़राब वाला सही में कन्वर्ट हो पाता है या नहीं ये पता चलेगा पानी डालने के बाद। तो कोई बात नहीं, ये वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ और जब मेरा गेहूँ फिर से सब सही हो जाएगा तो मैं फिर से शायद एक वीडियो बना लूँगा। तो चलिए वीडियो को हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो आप लोग को अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।